अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बुरी खबर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, यानी वो स्टूडेंट्स जो प्रमोट हुए हैं उनके लिए जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी बात क्लियरली समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कम्प्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसकी वजह क्या होगी या इसका और आपको फ़ायदा क्या होगा सब्सक्राइब करेंगे? देखिए, जो अभी मैं तालीम से रिलेटेड कोई न्यू और नोटिफिकेशन जैसे ही आ रहे हैं बोर्ड की जानब से, हुकूमत की जानब से, इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपके पास वो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स देखें, एक जो नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की जानब से, वो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स को हल्का लेंगे तो उनके लिए बैड होगी, अगर नहीं लेंगे तो ठीक है। फिर देखें स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट आया है कल, और उसमें जो तमाम स्टूडेंट्स पहले तो ये पूछ रहे थे कि जो प्रमोशन पॉलिसी है वो क्या होगी, किस तरह से होगी, तो ये बात मैं क्लियरली आपको बता दूं कि जो प्रमोशन है वो फेडरल बोर्ड का जो 10th क्लास का कल रिज़ल्ट आया है वो प्रमोशन पॉलिसी ही उसमें सारी इस्तेमाल की गई है। तो यही प्रमोशन पॉलिसी है। देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखें कि अगर किसी स्टूडेंट्स के थे 4600 मार्क्स थे 9th क्लास में, मैं फेडरल बोर्ड की अभी बात कर रहा हूँ 9th क्लास में, तो उसमें जो उन्होंने अगर 10th में जो इन्होंने मार्क्स दिए हैं वो इतने ही लगाए हैं, 460 ही लगाए हैं, और 3% उन्होंने ग्रेस मार्क्स का इस्तेमाल किया है, इस तरह उनके जो मार्क्स हो गए वो 950, 60, 70 से बढ़ गए हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 9th में 200 से थोड़े से ज़्यादा 250 मार्क्स लगाने 9th में, और इनके जो मार्क्स टोटल बने हैं वो 500, 550, 600 ही बने हैं, और इन स्टूडेंट्स की तो परसेंटेज डाउन होगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, अगर आपके 11th के मार्क्स देने थे और आप प्रमोट हो चुके हैं 12th क्लास में, अगर आप 12th क्लास में जब एग्ज़ाम्स देते हैं आपकी अगर खुदा ना खास्ता एक सब्जेक्ट में भी परसेंटेज कम आ गई, तो वो वही परसेंटेज आपकी 11th में लगेगी, अगर 10th की है तो वो 9th में लगेगी। ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ थी जो मैंने ज़रूरी समझा के आपको बताता चलूँ। तो इसलिए अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर देंगे अपनी स्टडी की जानब, अगर आप अभी से अपना टाइम टेबल बना लेंगे, एक टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे और स्टडी की तरफ अपनी तवज्जा करेंगे, तो आपकी परसेंटेज अगर कम नहीं होगी किसी सब्जेक्ट में तो आपकी जो पिछली क्लास है उसमें भी वही की वही परसेंटेज लगेगी। यानी इस नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो 12th के और 10th के ही होंगे, 9th और 11th के नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रमोट हो चुके हैं और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 12th और 10th की बेस पर आपको दिया जाएगा। तो ये थी वीडियो जो मैंने ज़रूरी समझा के आप तक बता दूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तमाम न्यू व्यूअर्स।